लालू यादव को आज एक बड़ा झटका लग गया है। लालू की पार्टी के 22 विधायकों में से 13 ने जेडीयू का दामन थाम लिया, यानी नीतीश कुमार के साथ चले गए। हालांकि अलग बात है कि कुछ ही देर के बाद 6 विधायक सामने आए उन 13 में से, और उन्होंने कहा कि वो अभी भी लालू यादव के साथ है। संख्या जो भी हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि लालू यादव के लिए ये एक बड़ा झटका है। पार्टी में भी सब सच नहीं है, हम पता कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में अब कोई नीति सिद्धांत पर कोई मामले रहे नहीं। शाम की गोधिल वेला में जब लालू यादव ढलती फरवरी के वसंती मौसम का आनंद ले रहे थे, तकरीबन उसी वक्त उनके सियासी जमीन को हिलाने वाली एक चिट्ठी राजभवन के नंबर पर फैक्स हो रही थी। बताया गया इस चिट्ठी में 22 विधायकों वाली आरजेडी के 13 विधायकों के दस्तखत थे। लालू के खिलाफ बगावत का फरमान था और राज्यपाल से विधानसभा में अलग से बैठने का इंतजाम करने की अर्जी थी। राष्ट्रीय जनता दल लगातार जिस तरह की स्थिति बनती जा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने लालू जी को जेल भेजने का काम किया, जिस व्यक्ति ने ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया, जिस व्यक्ति ने लालू जी की सदस्यता समाप्त करवाने का काम किया, वही व्यक्ति के गोद में खेलने का काम कर रहे हैं और पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो रही है। और लगातार 3 महीने से आपने कोई गतिविधियां नहीं देखी होगी। राष्ट्रीय जनता दल बिना कार्यक्रम का ही पार्टी हो गया। आरजेडी के 13 विधायकों ने राज्यपाल को खत लिखा, आरजेडी से अलग होने की घोषणा की। राज्यपाल ने आनंद फानन में बगावती विधायकों को अलग से बैठने की सहमति भी दे दी, तो एक जीत पर जश्न की तरह मिठाइयां बंटने की रस्म भी शुरू हो गई। लालू के पाले से निकले विधायकों ने लालू को खरी खोटी भी कही और नीतीश की तारीफों में शहद घुले शब्दों की वंदना से ये साफ कर दिया कि उनका अगला ठिकाना कहाँ है। कितनी संख्या है आप लोग? 13। अगला कदम क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं? अभी अब हम लोग तमाम लोग निर्णय लेंगे। पूरे बिहार के माइनोरिटीज का झुकाव नीतीश कुमार जी की तरफ हुआ और कहीं न कहीं हम लोग को भी क्षेत्र में दबाव पड़ता रहा कि नीतीश कुमार जी के साथ जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही रोक सकते हैं। संख्या कितनी है? संख्या हमारी 13 अभी है, 13 विधायक अभी हम लोग लिख के दिए हैं और 2-3 रोज में 2-3 विधायक बढ़ेंगे। क्या फैसला लिया, कहां जाएंगे? हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आरजेडी में बगावत की इस नाट्य कहानी में एक और नाट्य मोड़ आया। 1 घंटे के भीतर 13 बागी विधायकों में से 6 विधायक पलट गए। सभी 6 विधायक मीडिया के सामने आए और लालू के प्रति निष्ठा और वफादारी जता दी। आधारित दल अल्पमत में है और अल्पमत में रहने के कारण उसने इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कराने की कोशिश की है और कुछ लोगों को लालच दिया है, कुछ लोगों को लाल बत्ती का लालच दिया है और कुछ लोगों को कई लालच दिया है। चंद घंटों के भीतर बगावत और फिर वफादारी के इस नाट्य प्रकरण के बाद अब सवाल यही उठ रहे हैं कि अब उन 8 विधायकों का क्या होगा जिन्हें राज्यपाल ने अलग गुट बनाने की मान्यता दे दी है। क्या उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? लेकिन सियासत समझने वालों की असली दिलचस्पी तो इस बात में है कि लालू की पार्टी में बगावत के असली सूत्रधार कौन है। क्या आरजेडी को तोड़ने का ये मिशन नीतीश कुमार का था? क्या ये सब इसलिए हुआ या किया गया क्योंकि नीतीश कुमार को विधानसभा में मजबूत बहुमत की जरूरत थी? 243 विधायकों की विधानसभा में सरकार चलाने के लिए जेडीयू को 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। जेडीयू के 115, कांग्रेस के 4 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की कमजोर बैसाखी के बल पर सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने क्या अपनी सरकार की मजबूती के लिए लालू यादव के घर में सेंध लगाने की कोशिश की है? सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।